ए लड़की, कौन है तू और ये क्या पढ़ रही है? वो सर, ये किताब कहाँ से उठाई तूने? हाँ, तू तो मुझे इस कॉलेज की भी नहीं लग रही है। कौन है? सर, ये मेरी बेटी है। वो मैं टिफिन घर भूल गया था ना, वही देने आई थी। आईएएस बनना चाहती है, पढ़ाई में बहुत तेज है, इसीलिए बिना पूछे किताब उठाकर पढ़ने लग गई। अच्छा, तो तेरी बेटी है तो कुछ भी करेगी? जी नहीं सर, वो मैं कह रहा था। लगा वैसा यहाँ से, और इसको बोलो कि ये किताबें ना छुए यहाँ की, नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुन लिया तूने क्या कहा सर ने? अब तो ये किताबें इनकी जगह पर रख दे और घर जा वापस। पापा, यहाँ की किताबों से मुझे यूपीएससी के पेपर में बहुत मदद मिलेगी, और ये किताबें बहुत महंगी हैं पापा, आसानी से मिलती भी नहीं है। मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो यहाँ पर। पर बेटा, ये बड़े लोगों के बच्चों का कॉलेज है, यहाँ पर हम जैसे लोगों की कोई पूछ नहीं है। पर तू दुखी मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तू ऐसे कर, तू शाम को 5 बजे आ, 5 बजे के बाद लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है, ठीक है? और तू अच्छे से तैयारी कर लियो, हैं? ठीक है पापा। ठीक है, ठीक है। हे, तेरे को मना किया था ना यहाँ पे आने को, फिर? सर, वो इस समय कोई और परेशान नहीं होता, तो मैंने सोचा अभी आकर पढ़ लूँ। एक बार की बात बताई, तेरे को समझ में नहीं आती? कमार कहीं की, चल निकल। सर माफ कर दीजिए सर, बच्ची है, अकल नहीं है इसको, आगे से ना ये आपको इधर नजर नहीं आएगी, मुँह क्या देख रही है? सर से माफी मांग और घर जा। सॉरी सर। ठीक है चल निकल। देखो प्रदीप, मैं ना तुम्हें ये आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे यहां पर ये सब नहीं चाहिए। अगर आज के बाद तुम्हारी बेटी फिर यहां दिखी ना, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, काम करो, चलो। बेटा, अब से तुम लाइब्रेरी मत पढ़ना, सर बहुत नाराज होते हैं। और तू परेशान मत हो, ये लो, ये पुरानी बुक्स हैं, थोड़ी फटी जरूर है लेकिन तुम्हारे काम की है। इन सब की फोटोकॉपी करा के और वापस यहीं ले आना, ठीक है? फिर आराम से घर बैठकर मन लगाकर पढ़ना है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों किताबें चोरी कर रहे हो? प्रदीप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जहां पे तुम नौकरी करते हो वहां से चोरी करोगे? तुम दोनों को तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? सर, मैं और मेरी बेटी चोर नहीं है। सर, मेरी बेटी ना यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसको सरकारी अफसर बनना है। तो सर, ये पुरानी किताबें हैं, इसकी फोटो भी करा लेगी तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ लेगी, इसको यहाँ भी नहीं आना पड़ेगा। तुम्हारी हैसियत भी है बेटी को पढ़ा पाने की? अपनी औकात मत भूलो, तुम इस लाइब्रेरी में पियोन हो, और ये किताबें तुम्हारे बाप की है जो उठा के तुमने अपनी बेटी को दे दी। एक पियोन की बेटी को ना ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। पता है सिविल सर्विसेज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल पढ़ना पड़ता है। लगाओ इसे यहां से, और तुम भी मुझे कल से यहां दिखाई मत देना, निकलो। नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? सर ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए सर। इस कॉलेज को ऐसे पियोन की जरूरत ही नहीं है जो यहां पे चोरी करता हो, चलो भागो। सर सर सर, मुझे नहीं बनना है सब, मेरी वजह से आपको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी, आपकी नौकरी भी चली गई पापा, मैं नहीं चाहती हूँ आपको और तकलीफ हो। सच बेटा, मैंने कहा था ना मेरा बेटा मेरा नाम रोशन जरूर करेगा, है?
तुम तो वो प्रदीप की बेटी हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? इतने सालों बाद नौकरी मांगने आई हो यहाँ पर? नहीं सर, नौकरी मांगने नहीं आई हूँ, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया तो बस मिलने आई हूँ। प्रिंसिपल सर ना आज बिजी है, तुम कल या फिर किसी और दिन आना, ठीक है? रानी मैम, प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। सुन, प्रिंसिपल साहब इसको क्यों बुला रहे हैं? हाँ सर, आज की चीफ गेस्ट यही तो हैं। तुम जाओ, मैं आती। तुम वो रानी कुमारी हो जिसने आईएएस का एग्जाम हमारे डिस्ट्रिक्ट से सबसे यंग एज में क्लियर किया है? मैं वही रानी कुमारी। आपको क्या लगा एक पियोन की बेटी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकती? सर, आपने मुझे यहाँ पढ़ने से रोका था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। जहाँ से भी पॉसिबल हुआ मैंने प्रिपरेशन की, दिन रात मेहनत की। आपको याद है सर, एक दिन आपने मुझे और मेरे पापा को सबके सामने चोर बोला था? मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ तो करके दिखाऊंगी और अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे तुम्हें ना पढ़ाई करने से नहीं रोकना चाहिए था। देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बेइज्जती की सबके सामने। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे सर, आप माफी मत मांगिए, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। बस आगे से कभी किसी को पढ़ने से मत रोकिएगा, क्योंकि हर किसी को सपने देखने का और उन्हें हासिल करने का हक है सर। बेटा मैं इस बात का ना हमेशा ध्यान रखूंगा, आप आओ ना प्लीज। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी नीडी।